नमस्कार, मैं हूँ वेरोनिका। आज हम बातचीत करेंगे गेट के एग्जाम के ऊपर। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स इसका पैटर्न जानना चाहते हैं, और जिन लोगों ने क्लियर किया है उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, उस पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विवेक सिंह सिकरवाल, इन्होंने रैंक हासिल किया है 106। वेलकम, और आज इस एग्जाम पे बात करेंगे। तो विवेक, आप मुझे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। इंजीनियरिंग लाइक आपने किस फील्ड में करी है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में इंजीनियरिंग करी है। मेरा जो कॉलेज था वो SGS IDS इंदौर था। okay. तो मैं 2013 में एडमिशन लिया था, तो 2017 तक कम्प्लीट हुआ था मेरा इंजीनियरिंग। तो पूरा कॉलेज लाइफ अच्छी थी और सब सही था। ओके, तो गेट का एग्जाम किसके पैटर्न पे बात करते हैं, क्योंकि यही मेन रहेगा हमारा। तो क्या पैटर्न रहता है इस एग्जाम का? इस एग्जाम का मैम, एक्चुअली इसमें क्या कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं मैम, उसमें 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं टेक्निकल, अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो। उसके अलावा मैं एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी रहता है और एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये पूरा कंप्लीट रहता है उसमें गेट का, पूरे सिलेबस में अगर देखा जाए तो। और उसके बाद इसमें पैटर्न्स रहते हैं जैसे कि कुछ मार्क्स का जो रहता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स रहते हैं। okay. और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहते हैं। okay. तो इस टाइप से रहता है एग्जाम। तो यानी 8 आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जी। और वो सब्जेक्ट्स कुछ नए होते हैं या जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़े होते हैं? सारे वही रहते हैं जो हम इंजीनियरिंग में देखते हैं, इंजीनियरिंग में पूरा पूरा पढ़ते हैं, वही रहते हैं। बस यही है कि अगर प्रिपरेशन अगर पहले से पता हो तो उसी टाइम से ध्यान दे सकते हो। okay. ऐसा है। तो यानी अब जैसे इंजीनियरिंग तो अलग अलग ब्रांचेस में होती है, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो हर एक फील्ड का अलग एग्जाम होता है। तो आपने किस में दिया? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांच थी, तो जो उसमें गेट कोड रहता है इसी रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ओके, तो इसी से दिया मैंने गेट। तो आपने 2019 वाला एग्जाम दिया जी। जी, इस एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आता है? इसका नोटिफिकेशन अराउंड सितंबर आ जाता है, कभी थोड़ा जल्दी भी आ जाता है, अप्रोक्सीमेट सितंबर में ही आता है। तो आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग के बाद क्यों गेट की तरफ लोगों को जाना चाहिए, इस एग्जाम के लिए क्या स्कोप्स हैं इसके बाद? जनरली ये प्रेफर करते हैं कि जैसे कुछ कॉलेजेस रहते हैं वहां से प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी लोगों को लगता है कि कम है या अच्छी नहीं रहती है, तो लोग चाहते हैं कि या तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब करना जाके, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा है आजकल। वो तो है, पूरे संसार को पता है। तो ऐसे ही है, तो जैसे अब किसी भी आज गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो अच्छा पैकेजेस रहता है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरा ये है कि अगर किसको एमटेक करना है, आगे हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो एमटेक करना है तो भी गेट के थ्रू ही जाते हैं अपन। तो आप अभी एमटेक के लिए जा रहे हैं, तो आप विवेक को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि इनको IIT बॉम्बे मिला है अपनी फर्दर हायर स्टडीज के लिए। तो किस तरह से प्रेफरेंस रहता है कॉलेजेस का, IITs का ही ऑब्वियसली? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस। एंड एक्चुअली हम देखते हैं तो ISC बेंगलोर को जस्ट सबसे ऊपर माना जाता है, ये कोई IIT कॉलेज नहीं है, ISC अपना उसका अलग चलता है, तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है अगर मिल जाता है तो ISC के लिए। बाकी टॉप IIT जितने भी हैं सारे अच्छे हैं, और रैंकिंग की बात करें तो ये रैंकिंग स्विचेज होती रहती हैं, जैसे कभी IIT बॉम्बे, कभी IIT मद्रास, कभी दिल्ली, तो टॉप कॉलेजेस हैं, तो किसी की रैंकिंग आती है तो कोई भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये मेन कॉलेजेस हैं अगर आपको जाना है एमटेक के लिए। ऑब्वियसली आपको टॉप IIT मिला है, काफी मेहनत की होगी आपने। तो अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि 8 कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड। कोर सब्जेक्ट्स पे बाद में आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए क्या आपने कुछ अलग प्रिपरेशन किया था? मेन प्रिपरेशन तो यही है कि जैसे सबसे बेस्ट चीज रहती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे तो टेक्निकल की हो या एप्टीट्यूड की हो या मैथमेटिक्स की हो। तो मेरा मेन तो यही था कि मैथ्स हमेशा से स्ट्रांग रहता है इंजीनियरिंग फील्ड में, तो उस चीज को तुम कहीं भी कर सकते हो, आगे पीछे कैसे भी करो। और एप्टीट्यूड थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि कॉलेज में हम इतना ध्यान नहीं देते एप्टीट्यूड पे, तो एप्टीट्यूड के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। सिमिलरली इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं आती, एक नॉर्मल आता है, तो जो भी तुम चाहो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऑनलाइन भी मटेरियल अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन आप देख सकते हो, समटाइम्स कुछ मीनिंग्स आते हैं तो जस्ट रेगुलर यूज में रहते हैं मीनिंग्स, तो वो आ जाते हैं।
तो एप्टीट्यूड के लिए कोई किताब आप सजेस्ट करना चाहेंगे? एप्टीट्यूड के लिए मैंने तो जनरली ऐसे कोचिंग का ही मटेरियल था, तो उसी में जो उन्होंने बुक्स प्रोवाइड करी थी इंग्लिश के लिए भी और जो एप्टीट्यूड के लिए भी, तो उसी के उसी में जो पूरी थ्योरी भी रहती है और बाकी टीचर्स ने भी पढ़ाया था, तो वो जो पूरा मटेरियल था मेरे पास तो उससे पढ़ना, और बाकी प्रैक्टिस के लिए गेट का करा था। बाकी ऐसे एक आर एस अग्रवाल बुक आती है, अगर आपका मन है तो उसको भी लगा सकते हो, बहुत फेमस बुक है। तो इसके लिए सेक्शंस रहती है एग्जाम में, 3 घंटे का पेपर होता है ये जी, और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इसमें? जैसे मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स रहते हैं। और इसमें ऐसे सेक्शन रहता है कि जो स्टार्टिंग में रहेगा वो एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है, इसमें 10 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे तुम्हारे 1 मार्क्स एंड जो अदर 5 क्वेश्चन रहेंगे वो 2 मार्क्स। देन टेक्निकल का पार्ट रहता है कि जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 25 अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं वो 1 मार्क्स रहेंगे, आफ्टर दैट जो तुम्हारे 2 मार्क्स क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो आप मुझे बताइए कि इसकी स्ट्रेटजी आपने बताई, तो टाइम टेबल किस हिसाब का होना चाहिए? टाइम टेबल तो मैं जनरली ये फॉलो नहीं करता कि तुम ऐसे टाइम लिखो कि मैं 5 बजे उठूंगा और वगैरह वगैरह, कभी फॉलो नहीं, क्योंकि हो नहीं पाता। और हमको बस रेगुलरली यही होता है कि आज मैंने लिखा था हो नहीं पाया, और फिर लगता है कि अब कल करूंगा, ऐसे लगता है कि अगर हो नहीं पाता तो लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है, मैं अपना टाइम टेबल नहीं करा तो दिमाग खराब होता है फालतू। तो मैं तो यही मानता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट लेके मैटर करो कि मुझे इतना पढ़ना है, और ठीक है आपका एक जब भी टाइम फिजिबल लगे, अगर आप मॉर्निंग उठने वाले तो अच्छा है, अगर आप 8 या 9 बजे उठ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो जैसा भी सबको शेड्यूल लगे, और आप बैठ जाओ कि मुझे इतना निपटा के उसके बाद उठना है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल रहता है। तो ये जो आपके 8 कोर सब्जेक्ट्स हैं, कितना टाइम लगता है गेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए? मेरे हिसाब से अगर आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ अगर ज्यादा अच्छे से नहीं गई है तो 1 साल वैसे सफिशियंट है, अगर आपका लक भी साथ देता है तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारी प्रिपरेशन होती है पूरी और कुछ वजह से हम रह जाते हैं, तो वो एक अलग बात होगी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तैयारी होना चाहिए, तो 1 साल आई थिंक सफिशियंट है। और अगर आपने सब्जेक्ट्स अगर अच्छे से पढ़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि 6 मंथ से ज्यादा देने की जरूरत है, अगर आपने कॉलेज लाइफ में अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं कोर के तो। ओके विवेक, आप मुझे बताइए कि ये जो प्रिपरेशन का टाइम होता है इसमें स्टूडेंट्स किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपने क्या प्रॉब्लम फेस की, उनका क्या सलूशन होता है? तो मेनली प्रिपरेशन के लिए ये रहता है, एक तो क्या रहता है कि जैसे अपन कहीं रह रहे हैं, कभी कभी तो भी ऐसा रहता है हमारे रूम का माहौल अच्छा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त बहुत बन जाते हैं तो कभी कभी तुम ना चाहते हुए भी टाइम का लगता है, मैं भी हो सकता है वो तुम्हें परेशान ना कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन साथ में रहते हुए तुमको लगता है कि नहीं यार मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो बेटर है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर अकेले में अच्छी हो सकती पढ़ाई तो आप अकेले रूम ले सकते हो या थोड़ा दूर रूम ले सकते हो दोस्तों से, लेकिन ये मैं बोलूंगा कभी दोस्तों से या साथ वाले जो भी उनसे दूर मत रहना, क्योंकि जब डिप्रेशन आता है या कभी ऐसा बुरा लगता है तो वो लोग ही काम आता है, तो हमेशा दोनों चीज लेकर चलना है कि अगर आप ग्रुप स्टडी में अगर अच्छे हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप साथ में रह के अकेले पढ़ पा रहे हो तो वो भी अच्छा है। तो जो मेरा था, जो मेरा पर्सनली था कि मुझे लगा कि शायद मेरा मन नहीं लग रहा है कि कुछ जो लोकेशन थी रूम जो भी था मेरा, तो मुझे लगा कि दूसरी जगह खुली जगह में रहना चाहिए, तो मैं थोड़ा ऐसे दिल्ली में रह रहा था, तो फिर ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गया था, बाकी दोस्तों से रेगुलर टच में रहा था क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं, जब तुम्हें कभी मन नहीं लगता, कभी लगता है डिप्रेशन हो रहा है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज में, तो ये चीज बहुत अच्छी रहती है कि सबसे पहले तुम दोस्तों से बात करो जो भी तुम्हारे हो, दो एक दोस्त बहुत होते हैं वैसे। तो आपके इस बार कट ऑफ कितना गया इसका? इस बार तो 26.7 गया आई थिंक कट ऑफ, और बाकी जनरली डिपेंड करता है कि कट ऑफ हर साल उनका फॉर्मूलाज कुछ रहता है तो चेंजेस होते रहते हैं, मिनिमम कट ऑफ 25 रहता है जनरली जनरल कैटेगरीज के लिए, और बाकी अदर कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हो कैसे ऑनलाइन मिल जाएगा, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ढूंढने में। ओके, तो कोचिंग, क्या कोचिंग के बिना भी एग्जाम क्रैक हो सकता है? आपने कोचिंग ली, दैट इज फाइन, लेकिन क्या कोचिंग के बिना भी ये हो सकता है क्रैक? या ऐसा लगता है कि कभी जैसे मैं कोचिंग जब अटेंड कर लिया तो मुझे लगा कि इतना ज्यादा भी इम्पैक्ट नहीं है कि कोई रोए कि मेरे को कोचिंग ही चाहिए, मेबी कोचिंग की वजह से क्या होता है बहुत सपोर्ट मिल जाता है, तुमको आधी चीजें सर्च नहीं करनी पड़ती है, वो तो आपको सीधा बना हुआ मटेरियल दे देता है, और आपको सीधा सिर्फ उस चीज को पढ़ के मेहनत आपको ही करनी है, अगर तुम अकेले कर सकते हो तो अकेले करो, और अगर तुमको थोड़ा सपोर्ट चाहिए और अगर अफोर्ड कर पा रहे हो, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो तुम जा सकते हो, बाकी यही है कि अगर खुद से करोगे सीधी सी बात है, जब सेल्फ स्टडी का सीधा सा है कि आपको नॉलेज अच्छी होती है, आपको ज्यादा नॉलेज होती है सेल्फ स्टडी में, पर टाइम भी उतना ही ज्यादा लगता है, तो ये चीज कभी हडल बना के मत चलो कि मेरे को कोचिंग ही चाहिए तभी होगा, क्योंकि लोग कोचिंग करते हैं कभी 2-1 महीने करें नहीं मन लगा छोड़ दे तो उसके बाद खुद भी कर लेते हैं आराम से क्वालिफाई,
तो ऐसा है। बाकी ठीक है, अगर आप पॉसिबल था, जैसे कि मैं कर पाया था, पॉसिबल था मेरे लिए, मैंने कर ली थी कोचिंग, लेकिन उसके बाद यही कोचिंग में भी सर भी यही बोलते हैं कि देखो बेटा यहाँ पे हम लोग विटामिन दे सकते हैं एक तरह से, लेकिन बाकी की मेहनत तुम्हें ही करनी है। ये आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। हाँ, गेट को लेके, तो गेट के बाद क्या क्या स्कोप रहता है, गेट का स्कोर आ गया आपके पास, और ऐसा होता है कि कितने टाइम तक वैलिड है या कुछ वैसा? हाँ हाँ, एक्चुअली ये रहता है कि जैसे गेट का जनरली जो पीएसयूज रहती है कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज रहती है, जैसे आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, खूब सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी अगर देखोगे नेट पे। तो इनका क्या रहता है कि हर साल जनरली क्या करते हैं कि जो इस साल का गेट है तो उसी में जो भी रैंक रहती है वो वैकेंसीज निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कॉल करते हैं। तो आपको फॉर्म भरना रहेगा, तो जैसी वैकेंसीज रहेंगी उस हिसाब से कॉल आएगा। और अगर आपको एमटेक करनी है तो इसका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहता है 3 इयर्स के लिए। और पीएसयू का ऐसा है कि डिपेंड करता है, कोई कोई पीएसयू जैसे 2019 का गेट स्कोर है तो 2020 में वैकेंसीज निकाले और वो 2019 के स्कोर पे भी ले सकते हैं, वो उनका डिपेंड करता है। तो ऐसा है, तो मेनली अगर हम लेके जाए, अगर एमटेक करना है तो ये ऐसा है कि हम 3 साल तक के लिए वैलिड है, आप 3 साल तक अप्लाई कर सकते हो उस स्कोर को। तो यानी गेट के बाद आप लोग रिसर्च अपनी, यानी हायर स्टडीज, एमटेक हो गया, रिसर्च हो गया, उसके लिए जा सकते हैं, या फिर आप पीएसयू में जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है। तो डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाई करनी है ग्रेड क्लियर करने के बाद या फिर आपको जॉब करना है। सो हाँ, एक चीज बीच में रह गई कि एग्जाम का पैटर्न जो होता है सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं? नो मैम, एक्चुअली इसमें कुछ पार्ट जो है एमसीक्यूज का रहता है और कुछ पार्ट रहता है उसमें फिलिंदा ब्लैंक्स रहता है। अब एक्चुअली जो ये दोनों टाइप्स है, कुछ प्लस भी है और माइनस भी है। जैसे कि अब फिलिंदा ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं उनमें क्या रहेगा कि तो आपको निगेटिव मार्किंग्स नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि जब आपका आंसर आएगा तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि मेरा आंसर सही होगा कि नहीं। अब जैसे अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें 4 ऑप्शन है तो पता है कि आपको एक ना एक आंसर सही रहेगा, लेकिन अगर उसमें यह कि अगर आपने गलत टिक कर दिया तो आपको माइनस मार्किंग भी होनी रहेगी। तो इसमें ऐसा है कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितने वो फिलिंदा ब्लैंक्स देते हैं या कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं, तो ये वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है कोई भी किसी भी आईआईटी को जैसा पसंद आता है। ऑलमोस्ट गेट के एग्जाम की हर एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया है, क्योंकि 8 core subjects पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत वास्ट हो जाएगा, क्योंकि हर ब्रांच के अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें आप वैसे एक कॉमन सजेशन कि जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो 8 subjects उनको कॉलेज में जो किताबें पढ़ी वहां से पढ़े, या किस तरह से प्रिपरेशन उसकी होनी चाहिए? मैं ये बोलूंगा, अगर आपका ऐसे पहले से अगर आपका क्लियर है कि मेरे को इंजीनियरिंग के बाद गेट एग्जाम देनी है, आप बिल्कुल श्योर हो, या मीन्स वही है फाइनल ईयर में आप दे सकते हो, उसके बाद आप जॉब जो भी कर सकते हो, तो आपको पता रहेगा सिलेबस, आपको पता रहेगा क्या है, मेन सब्जेक्ट्स आपको पता रहेंगे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जब कॉलेज में जिस टाइम पे वो सब्जेक्ट आता है आपके सेमेस्टर में, तो आप उस टाइम पे अच्छे से पढ़िए उसको, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जो अपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लगाते रहिए। और जितने मैन जो इसका जो सबसे बड़ी चीज है ना एग्जाम की, वही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके साथ क्लैरिटी आती है सब्जेक्ट्स में, और उतने ही ज्यादा आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आप ये है कि कॉलेज के साथ साथ आपको सबको पता रहती है कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो हमारी कोर हैं और कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं, तो उनको आप साथ में अगर पढ़ते हो तो आपको इतना कुछ टफ नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना हो, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ही बहुत हो जाते हैं उसमें। अगर क्योंकि एक टाइम का रहता है ना कि जब आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो आपके पास 6 महीने हैं, और उनमें से आपके अगर 5 या 6 subjects हैं तो हो सकता है 2-3 ही subjects हो जो एकदम कोर हो, तो अब आराम से आपके पास 6 महीने हैं, आराम से कर सकते हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर रहे हो तो इजिली आप पढ़ सकते हो सब्जेक्ट। तो चलिए, हमने गेट के एग्जाम के बारे में सारी बातें विवेक से पूछी, आई होप ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और विवेक को हम मुबारकबाद देते हैं एक बार फिर से, इनको IIT बॉम्बे मिला है और इनका आगे का सफर बहुत अच्छा रहे। थैंक यू विवेक। थैंक यू मैम।